हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने क्लास में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग की बातें कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की। वी हैव मच मोर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स, हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर डिजायर इन फ्रंट ऑफ पीपल्स। सो फॉर फेसिंग, फॉर फाइटिंग टू समवन, एज वी आर रनिंग इन द एज ऑफ साइंस, in that scientific age there is a need of English, because each and everything is going to be described in English ways. If you want to do a little type of job, a triples type of job, there is a need of English. And if you are unable to express your views in English ways, then that will be definitely difficult for you. So we are talking about that. Today we will read something other. आज हम लोग कुछ और पढ़ाई करेंगे, आज कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। आज हम आपको एक सोर्स देंगे as a use of इन केस। इन केस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दीज सेंटेंसेज आर ऑलवेज कमिंग विद द कॉम्प्लीमेंट्स। एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस हमेशा जुड़ा हुआ आता है। हमारे सामने सेंटेंस आ जाता है कि ये दिवा यहाँ हुआ, ये दिवा यहाँ आए तो मुझे बता देना। बताना तब जब वो यहाँ आए। अब सेंटेंसेज ऐसे आ जाते हैं तो हम शॉक हो जाते हैं यार कि क्या बोले। ये तो बता रहा है कि यदि वह यहाँ आए तो मुझे बता देना। अब यदि भी आया है तो भी आया तो हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए ऐसे सेंटेंसेस है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि यदि और तो की इंग्लिश लिखी ही जाए। इसलिए यदि और तो के लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे सेंटेंसेस हमेशा कॉम्प्लीमेंट के साथ आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी कहा कि यदि वह यहाँ आए, यदि वह यहाँ आए तो मुझे बता देना। ओके गाइस, यदि वह यहाँ आए तो मुझे बता देना। तो फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट यदि वह यहाँ आए, दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये सेंटेंस कंप्लीट है, यदि वह यहाँ आए तो क्या होगा पता नहीं। ठीक है, पता चल रहा है आपको कि यदि वह यहाँ आए तो क्या होगा पता नहीं है ना। लेकिन इसमें बता रहा है कि मुझे बता देना, ये काम आपका कंप्लीट हो रहा है कि मुझे बता देना। तो जो सेंटेंस हमारा पूरा सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है, हम सबसे पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे बता देना तो क्या हो जाएगा, Tell me, मुझे बता देना। उसके बाद यदि वह यहाँ आए और इन केस क्या करेगा, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। टेल मी इन केस ही वह यहाँ आए, ही केम हियर। यदि वह यहाँ आए, ही कम हियर। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हो कि यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना, या तो कोचिंग चले जाना, मत जाना। सेंटेंस ढेर सारे होते हैं, आप किस सेंटेंस के भाव पे चलना चाहते हैं और कौन सा सेंटेंस आपके लिए सूटेबल होगा। बारिश होगी तो कोचिंग कैसे जाओगे, या तो अपने फोर व्हीलर से जाओ या फिर कोई साधन करके जाओ। आपके पास एज लाइक रेनकोट वगैरह हो तो जाओ। तो अगर बारिश हो रही तो जाना नहीं है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि यदि वर्षा हो तो कोचिंग मत जाना। तो कोचिंग मत जाना तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है, नकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोंट कहाँ जाना है, कोचिंग मत जाना, डोंट गो टू कोचिंग। यदि ऐसा हो, इन केस कैसा, इट रैन। देखिए इस सेंटेंस में गाइस, देयर इज अ सोर्स टू मेक यू कंफ्यूज्ड। इस सेंटेंस में आपको कंफ्यूज करने का भी एक वाक्य बनता है। चले मैं वो बताता हूं कैसे आता है। यदि वह यहां आए, यदि ऐसा हो तो मुझे सूचना देना। नाउ जस्ट माइंड अबाउट दिस वन, क्या हो गया, यदि वह यहां आए एक स्टेप बना, यदि ऐसा हो दूसरा स्टेप बन गया, तीसरे स्टेप में आया तुम मुझे सूचना देना, मुझे सूचना देना यदि वह यहां आए तो। अब दो वर्ड हो रहा है, वह यहाँ आए और यदि ऐसा हो, दो दो सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं,
तो इन दोनों में से इस वर्ड को आपको लिखना ही नहीं है. दिस इज ओनली गोइंग टू मेक यू कन्फ्यूज. वेन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज देन यू हैव टू राइट वन टाइम दिस वन एंड दिस सेकेंड टाइम एंड इट इज अ थर्ड टाइम. अगर आपके सामने ऐसे तीन तीन स्टेप में सेंटेंस आ जाता है तो हम तीनों का ट्रांसलेशन करने लगते हैं. नहीं गाइज, डोंट मेक सच टाइप ऑफ मिस्टेक. ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा. क्या होगा, ये सेंटेंस जो आपको यदि ऐसा हो आता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है, ये सेंटेंस नहीं होता है. सेंटेंस तो बस इतना ही है, यदि वह यहाँ आए तो मुझे सूचना देना. तो मुझे सूचना देना तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म मी. इन्फॉर्म मी इन केस ही कम हियर. इज दैट क्लियर? डेफिनेटली आई होप दैट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज, दिस टाइप ऑफ कन्फ्यूजन वुड बी सॉल्व. हमें उम्मीद है कि इस तरह की समस्याएं, इस तरह की परेशानियां अब आपको सेंटेंस बनाने में नहीं आएंगी. अगर ऐसे सेंटेंसेज में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले इतना माइंड में रखिएगा कि विच सेंटेंस इज गिविंग मी फुल सेंस, दैट मस्ट बी ट्रांसलेट फर्स्ट. जिस सेंटेंस से पूरा भाव प्रकट हो, हमें पहले उसी सेंटेंस को सॉल्व करना है. तो मुझे बता देना कंप्लीट भाव है. यहाँ पर देखिए, कोचिंग मत जाना कंप्लीट भाव है. उसके बाद क्या है कि कोचिंग मत जाना, फिर क्या है मुझे सूचना देना. मुझे सूचना देना भी कंप्लीट सेंस है. लेकिन इसके पहले पार्ट में आइए, यदि वह यहाँ आए तो क्या होगा पता नहीं, यदि वर्षा हो तो भी क्लियर नहीं, वर्षा हो तो क्या होगा, फिर क्या है यदि वह यहाँ आए, यहाँ आए तो क्या करेगा, लड़ाई करेगा, मार करेगा, क्या करेगा, वो भी नहीं क्लियर है. तो जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसे लास्ट में लिखते हैं, जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसको पहले लिखा जाता है. इज दैट क्लियर गाइस? I hope that you have got it well, and definitely that will be secured your future. And if you want to secure and you want to be a well speaker, just join your top 10 classes, join with us, and definitely we will give you a good things which can be searched in your areas. You can't get about that things. For that things, join us. And if you are getting that things, just like and share our videos. And if you are getting, you are joining first time, then definitely subscribe my channels. Since then, we are going to be meet you again in next video. Since then, goodbye and take care of yourself. Thank you.